फ्लैश न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर है औरैया से, जहां अज्ञात वाहन ने सांड को मारी टक्कर। अब खबरें विस्तार से। खबर है औरैया के कन्नौज मार्ग से, जहां अज्ञात वाहन ने अवारा सांड को टक्कर मार दी, जिसमें सांड गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंचे गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने समाज सेवी अक्कू ठाकुर ने तुरंत पशु चिकित्सा अधिकारी को फोन करके बुलाया और उचित इलाज कराया। गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे, जिससे आए दिन घटना हो रही है। खुलेआम सड़क पर आवारा जानवर घूमते हैं, जबकि सरकार के द्वारा इतने नियम बनाए गए हैं। आए दिन आवारा जानवरों की वजह से बाइक सवार घायल होते जाते हैं। गौ रक्षा दल के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार शुक्ला ने कहा कि यदि अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करनी होगी कि आवारा जानवरों की वजह से आए दिन कोई न कोई घटना घटती जा रही है। कृपया आप इसे संज्ञान में लेकर कोई सख्त से सख्त कार्यवाही जल्द करें। देखिए हमारे संवाददाता संजीव शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। कहीं ना लगाओ, उधर भी लगाओ। भैया आपको जी, भैया जी, ये सांड कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है? सांड के अज्ञात ट्रक वाले ने टक्कर मार दी है। आवारा पशु है और ये रोड पे टहलते रहे, मतलब घूमते रहते हैं। इस पर किसी को कोई ध्यान नहीं देता है और यहाँ पे आए दिन सांडों की टक्कर होती है, सांडों का एक्सीडेंट होता है और सांडों की वजह से आवारा जानवरों का, आदमियों का भी एक्सीडेंट होता है। काफ़ी लोगों की एक्सीडेंट से भी यहाँ डेथ हो चुकी है और कोई भी अधिकारी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति इस पर ध्यान नहीं देता है और ऐसे नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। और सरकार ने इतनी नियम बनाए हैं, उस पर कोई नज़रअंदाज नहीं कर रहा है, मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब आदमी एकदम क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे सांड बहुत है, रोड पे ही टहलते रहते रात भर, ना इस पर कोई पालन करता है। सब रोड पे डले रहते, कोई एक्सीडेंट कर जाता है, कोई कुछ खिला देता है, खेत में खा लेते हैं, तो कहीं रोड पे आके ये गिर पड़ते हैं। अभी मौके पर कौन आया है? यहाँ पर संजीव शुक्ला गौ रक्षा दल के और उनके द्वारा डॉक्टर को बुलाया गया है। अभी डॉक्टर ओम बाबू जी आ रहे हैं और उनका ट्रीटमेंट करेंगे। और सांड की हालत ख़राब है।